हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में लगे हम लोग देखेंगे नहीं सीडीपी यानी कि बाल विकास मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन फर्स्ट, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, ये भी सही है। ऑप्शन बी, केवल शैक्षिक संस्थितियों सन स्थितियों में मानव व्यवहार से। ऑप्शन सी इज द राइट, ए और बी दोनों यानी कि करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा अस्पष्ट करता है। तो किस तरह से सहायता देता है यानी कि अस्पष्ट करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना। शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है कितना, 90%। 9 साल के बच्चा जब हो जाता है ना, तो आपका 90% बच्चे के जो मस्तिष्क होता है ना यानी ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विकास एक प्रक्रिया है। तो विकास कभी ना खत्म होने वाली है कि निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय, ऑप्शन ए दिया उसकी कार्य क्षमता से होता है, बिल्कुल है। ऑप्शन बी दिया उसकी कार्य परिपक्वता से, तो बिल्कुल सही। ऑप्शन सी दिया है कि शक्ति ग्रहण करने से होता है, बिल्कुल सही। आंसर होगा उपयोग सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में मैकडुअल ने, तो विकास के संदर्भ में मैकडुअल ने कहा था कि आंसर हो जाएगा यहाँ पे मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो तीव्र बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका किशोरा अवस्था में परिवर्तन होता है, संवेगात्मक, बी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। ये आपके जो मनोवैज्ञानिक थे वॉटसन ने कहा था कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं दुनिया में सभी एक समान होते हैं जन्म के समय, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, तो आंसर किस बात का हो जाएगा यहाँ पे, शारीरिक सुजाता नहीं की बात की गई थी यानी कि नॉट क्वेश्चन था। बाल व्यवहार का अध्ययन करना बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ बिल्कुल सही, अनुशासन और कक्षा व्यवस्था ये सही है, लेकिन शारीरिक सुजाता नहीं होनी चाहिए यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था, तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान आपके वॉटसन ने कहा था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है, तो देखिए जो शैशवावस्था में अनुकरण करना बिल्कुल सही है, सहयोग लेता है, वो भी आश्रित रहता है बच्चा, खुद से उसको दूध पिलाना, उसके लालन पालन करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, हर चीज के लिए बैठाना, खड़ा करना, चलाना, पिलाना, अनुकरण करता है, जैसे हम बोलते हैं हंसते हैं वो भी हंसता है, हाथ दिखाता है हाथ, ठीक है, ये सारी चीजें होती है शैशव यानी कि इन्फेंसी पीरियड में। राइट आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। है मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक, ऑप्शन ए दिया व्यक्ति की रुचियां, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया गया है अभी क्षमताएं, ये भी सही है आपका। ऑप्शन सी दिया गया योग्यता अभियोग्यताएं अनुवातावरण, ये भी सही, तो राइट आंसर उपयोग सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहा था, तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना यानी कि कहा था, तो आंसर होगा आपका जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहा था यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षण मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक आपका मनोविज्ञान का एक अंग है, क्या ये मनोविज्ञान का एक अंग है यानी कि शिक्षा एक हमारी कला है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नलिखित में से सबसे कम उपयोगी मनोविज्ञानिक पूछा गया, प्रयोगात्मक सही है आपका, व्यक्तिक इतिहास भी सही है और निरीक्षण लेकिन परीक्षण नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है, तो शिक्षा जो मनोविज्ञान प्रकृति कहा जा सकता है, ये आपका क्या होता है, सर्वव्यापी है और तो भौमिक भी है, सर्वभौमिक यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी दे मन का विज्ञान, ये भी सही, चेतना का विज्ञान, इसीलिए आपका हो जाएगा उपयोग सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चिंतन की दृष्टि से डैश किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, तो चिंतन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रत्यक्षात्मक हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, प्रत्यक्षात्मक चिंतन हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंतरदर्शन विधि में बल दिया जाता है, अंतरदर्शन विधि में, तो अंतरदर्शन जो होता है स्वयं के अध्ययन पर बल दिया जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण तो बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है, तो राइट आंसर यहाँ पे मैं बता दूँ उपयोग सभी हो जाएगा, ठीक है आप लोग पढ़ लीजिएगा रोक के वीडियो को पॉज करके, इज द राइट आंसर। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का उपयोग प्रयोग किया जाता है, तो आपका किया जाता है यहाँ पे छात्रों के व्यक्ति को मापने तो सचेतता पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य, तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है यहाँ पे हो जाएगा कि विद्यार्थी द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करें, ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे छात्र की योग्यता या क्षमताओं को ध्यान में, सॉरी राइट आंसर क्या होगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विद्यार्थी द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, बालक को आनंददायक सरल कहानियां सुनाने से क्या प्राप्त होता है, ऑप्शन ए नैतिकता बिस्कुल को, सही है ऑप्शन बी दिया शिष्टाचार, ये भी राइट है आपका, ऑप्शन सी दिया मनोरंजन, ये भी राइट है, तो आंसर होगा आपका उपयोग सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि आनंददायक सरल कहानियां सुनाने से। नेक्स्ट, शिक्षा सॉरी मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत ऑप्शन ए दिया मानव का अध्ययन किया जाता, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी दिया जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता, ये भी आपका राइट है, ऑप्शन सी दिया संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी उपयोग सभी। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है शिक्षण प्रक्रिया के अंग या अंग, ठीक है ऑप्शन ए दिया शिक्षण के उद्देश्य, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी दिया शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी दिया शिक्षा का मूल्यांकन, तो राइट आंसर उपयोग सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्याय की विवरण पद्धति नहीं है, तो विवरण पद्धति नहीं है यहाँ पे, राइट आंसर होगा तुलनात्मक पद्धति नहीं है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सांख्यिकी क्या है, तो सांख्यिकी आपका एक कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है सांख्यिकी एक कला और विज्ञान दोनों है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मूल्यांकन को मापने की विधि, ऑप्शन ए दिया प्रेरणात्मक विधि, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी दिया है गुणात्मक विधि, जिसको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूल्यांकन का क्षेत्र होना चाहिए, तो मूल्यांकन का क्षेत्र आपका क्या होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, ठीक है राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे डी। ये 30 क्वेश्चन थे केवल, मैंने 7 मिनट लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।